पंचायती धड़ा फ्रेडियान के नेतृत्व में आज हरिद्वार कुंभ 2021 का आगाज हुआ। नागा साधु संतों के आगमन और उनके भव्य स्वागत के आयोजन के द्वारा। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली का। साथ ही गणेश वेद ने यह शानदार यात्रा का स्वागत समारोह का आयोजन किया। यह माना जाता है कि कुंभ में देश दुनिया में फैले हुए साधु संत इकट्ठा होते हैं और ज्ञान की संस्कृति का और सभ्यताओं का और नई ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। उसमें हरिद्वार के कुंभ का एक अलग महात्म्य है और उस महात्म्य की शोभा बढ़ाते हैं ये नगा। हरिद्वार में इस वक्त महाकुंभ पर्व का आयोजन चल रहा है, जिसमें दूर दराज से लाखों साधु संन्यासी यहाँ आकर स्नान करते हैं। इसके बारे में ये मान्यता है कि लाखों साधु संन्यासी जो अपने गुफाओं में से निकलकर हर वर्ष कुंभ में स्नान करने आते हैं, उनके आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। यहाँ ज्वालापुरी जो कहलाती है हरिद्वार की, वहाँ पंचायती धड़े की रेडियान की तरफ से जो आयोजन होता है, उसमें साधु संन्यासियों के आगमन का स्वागत की तैयारियाँ की जाती है। इसी में सिलसिले में यहाँ अग्नि अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और इस बार पहली बार देखने को मिलेगा कि उसमें किन्नर अखाड़े को भी शामिल किया गया है, जिनके आने का सिलसिला यहाँ बदस्तूर जारी है। विलक्षण आभा वाले यह नगा साधु संन्यासी आपको विरले ही देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में नागा संन्यासियों की भूमिका शिव सैनिकों के रूप में, यह हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यही पूरे देश की सुरक्षा और धर्म समागम की रक्षा करते हैं। आज आम जनता के बीच में इनका आना इस जनता का सौभाग्य है, जिसको देखने के लिए हरिद्वार और आसपास में देश विदेश से आए हुए सैलानियों के साथ सभी नगरवासी हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि देश दुनिया से बेखबर रहने वाले यह नागा सन्यासी कैसे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और हर हर महादेव के उद्घोष का संचार कर रहे हैं। यही कुंभ की खासियत है, यही हिंदू धर्म के इस अपने सबसे बड़े आयोजन की खासियत है। जिस समय इस कुंभ आयोजन की परिकल्पना साधु संतों द्वारा की गई होगी, शायद उस समय देश दुनिया में चल रहे अलग अलग विषयों और धर्मांतरण की सुविधाओं को समझने और परखने की व्यवस्था के कारण की गई होगी। आपको हरिद्वार जाना चाहिए और इस अवसर का आनंद उठाना चाहिए।